शायरी अपने दौर की अक्कासी है, अपने दौर की गवाही है। हर दौर में कलम ने कोशिश की है कि जो गलत है उसे कागज़ पर दर्ज किया जाए, ताकि लोग उसे पढ़ें, उससे सबक लें और उस गलत को सही किया जा सके। साहिर लुधियानवी ने फिल्म साधना के लिए एक गीत लिखा था 1958 में। अब 1958 में ना तो मैं पैदा हुआ था और ना ही मैं अपनी ज़िंदगी में कभी साहिर से मिला हूँ, फिर भी मैं गीता और कुरान पे हाथ रख के गवाही दे सकता हूँ कि वो गीत लिखते हुए साहिर की कलम ने दुआ में हाथ उठाए होंगे कि जितनी जल्दी हो सके ये गीत झूठा हो जाए। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि साहिर अपने ही लिखे हुए गीत को पढ़ के रोए होंगे। आज ये गीत मुझे क्यों याद आया? क्योंकि मैं आज भी उसी बदनसीब दुनिया में जी रहा हूँ जिसमें साहिर जिए थे। आज भी हाथरस में इंसानियत की ज़ुबान काट दी जाती है और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है। कहीं कुछ भी नहीं बदला। माफ़ करना साहिर, तुम्हारी दुआ बेअसर गई और तुम्हारा गीत आज भी सच है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा कुचला मसला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में। नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में। ये वो बेइज्जत चीज है जो बढ़ जाती है इज्जतदारों में। मर्दों के लिए हर जुल्म रवां, औरत के लिए रोना भी खता। मर्दों के लिए लाखों सेजें, औरत के लिए बस एक चिता। मर्दों के लिए हर ऐश का हक, औरत के लिए जीना भी सजा। जिन होठों ने इनको प्यार किया, उन होठों का व्यापार किया। जिस कोख में इनका जिस्म ढला, उस कोख का कारोबार किया। जिस तन में उगे कोपल बनकर, उस तन को जलील खार किया। मर्दों ने बनाई जो रस्में, उनको हक का फरमान कहा। औरत के जिंदा जलने को कुर्बानी और बलिदान कहा। असमत के बदले रोटी दी और उसको भी एहसान कहा। संसार की हर एक बेशर्मी गुर्बत की गोद में पलती है। चकलों में ही आके रुकती है, फांकों से जो राह निकलती है। मर्दों की हवस है जो अक्सर औरत के पाप में ढलती है। औरत संसार की किस्मत है, फिर भी तकदीर की हेटी है। अवतार पयंबर जनती है, फिर भी शैतान की बेटी है। ये वो बदकिस्मत माँ है जो बेटों की सेज पे लेटी है। भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहने उसे राखी न बांधेंगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। सावन की झड़ी जब लगती है, बूंदों में तू ही बरसता है। तू ही तो है जो झरनों के पानी में छुप के हंसता है। मेरे इस एक तरफा प्यार पर तुम्हारा कोई बस नहीं है, तुम चाह के भी मुझे रोक नहीं पाओगी। ये भी तो एक जज्बा है जो एक तरफा नहीं है, वो प्यार हो ही नहीं सकता। जिस इश्क को किसी और की रजामंदी चाहिए, वो इश्क कमजोर है और इश्क कहलाने लायक नहीं है। एक तरफा प्यार की शान में मेरी दो नज़में सिर्फ आपके लिए। बहुत कुछ लिखा है दिनकर ने, लेकिन उनका मास्टर स्ट्रोक है रश्मिरथी। क्यों? क्योंकि उनकी कलम ने देश को एक ऐसा हीरो दिया जिसने अपनी गौरव गाथा किसी ऊंचे कुल वंश की स्वर्ण लेखनी से नहीं, अपनी धमनियों में दौड़ते हुए विद्रोही रक्त से लिखी। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती? आप, वो, जी, मगर, ये सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? जॉन के कतात यानी रैंडम शेर हर उस इंसान की जुबान पर है जिसने कभी प्यार किया है। तेरे बगैर मुझे चैन कैसे पड़ता है, मेरे बगैर तुझे नींद कैसे आती है।